इट्स वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं अभी दमक प्रॉपर्टीज़ पे जस्ट लैंड किया, तकरीबन एक घंटे से मैं मेट्रो के अंदर ही था। और मैं जा रहा हूँगा एक इवेंट के अंदर, उसका नाम है आई थिंक बरसाती इवेंट है, जो यहाँ से तकरीबन एक ड्रम चेंज करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद तो पहले ड्रम के लिए चलते हैं, देन फिर वहाँ से किसी से पूछते हैं क्या किधर इसका रास्ता आएगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो आई एम एट द पॉइंट जहाँ पे आई थिंक अब मुझे यहाँ से किसी से पूछना पड़ेगा कि किधर रहेगा बीच एरिया। तो बेसिकली प्रोग्राम जो रहेगा वो बीच एरिया पे रहेगा। और मिनासिया एक जगह है कि अगर आप लोग दुबई मेट्रो से आ रहे हैं तो दमक प्रॉपर्टीज़ पर आप लोग उतरेंगे, एंड देन वहाँ से फिर आप दुबई ट्रम लेंगे, उसके अंदर आप लोग दुबई मरीना पे इंटर होंगे। दुबई मरीना से इंटर होने के बाद आप लोग मिनासिया पे उतरेंगे। तकरीबन ये कोई 3 drums टोटल जो है वो तकरीबन 11 drums का पूरा पैकेज पड़ता है। तो अभी यहाँ से पहले बीच ढूंढते हैं कि बीच किधर रहेगा, एंड देन फिर बताता हूँ मैं आपको। सो ये ड्रम का कुछ इस तरीके से लगता है बाहर का। ये पूरी दो साइड से चलती है, एक तो इस साइड से वहाँ से आती है, एंड देन जिसका जो बैक साइड है वो वहाँ से आता है। और इसी के बिल्कुल बैक साइड वेलस्टन्स, एक मशहूर होटल दुबई की, तो मुझे जो जाना है वो यहाँ इस ब्रिज से क्रॉस करके देन नेक्स्ट उस साइड जाना है, और मैं यहाँ से उतर के इस तरफ चला गया। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आप लोग इस ब्रिज से क्रॉस करें, देन फिर उस साइड उतरें। तो पहले मैं इस ब्रिज से क्रॉस करके देन फिर मैं आपको। तो दैट्स अ ब्रिज, और फोकस कर लिया सही। तो बिल्कुल खाली है ब्रिज, ये पूरा ब्रिज है। पता नहीं क्यों कुदरती गोरा आ रहा हूँ या अल्लाह ताला का नूर आ गया है, मुझे मालूम नहीं है। ट्रैफिक काफ़ी हो रहेगा तो अवॉइड कीजिए। अगर आप लोग दुबई में हैं तो मेट्रो इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल। और देखें अब ढूंढते हैं, गूगल मैप से पूरा मैंने इसको सर्च किया था और गूगल बाबा की रहमो करम पे ही चल रहा हूँ। वैसे अब अगर आप लोग आना हो तो ये देखते हैं एरिया। और अब यहाँ से आई थिंक पता नहीं मुझे किधर जाना है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे अच्छा ही होगा। डैम सो हार्ड यार, मतलब कि बहुत हार्ड है। बरसाती बीच एक न्यू बीच है। अच्छा भाई चलो उसको भी देख लेते हैं कि कितना न्यू है और क्या है और क्या नहीं। तो स्टे ट्यून, अच्छा ही रहेगा यार वहाँ पे एटमॉस्फेयर। और ये पूरा पीछे जो सारी चीज़ें आएंगा ये दुबई मरीना और दुबई जुमेरा की तरफ, दुबई जुमेरा कहलाता है ये सारा। आई थिंक मुझे फोकस कर लिया होगा तो अच्छी बात है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से बरसाती बीच, एंड देन इसके बाद फिर बता दूँगा आपको। द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ के आपका भाई बरसाती बीच पहुँचा, ठीक है, वो था प्राइवेट बीच, समथिंग प्राइवेट। जो इनके जो लिंक्स थे उसके अंदर कुछ भी ऐसा डिस्क्रिप्शन में नहीं था कि आप लोगों को अपनी आईडी साथ रखनी है। तो मैं गेट पे पूछा, और गेट पे पहुंचने के साथ ही मैंने उनको बोला कि आई वांट टू एंटर द बीच। तो उन्होंने बोला यस यू हैव टू शो योर आईडी और समथिंग लाइक दैट, हम आपको बिना आईडी के शो के ऐसे नहीं घुसने देते। तो ना ही मेरे पास मेरा एमिरेट्स आईडी थी, और ना ही मेरे पास, अभी तो मैं जब विज़िट पर था तो ना ही मेरे पास मेरा पासपोर्ट था। मैं अपना सर पकड़ गया, मैंने बोला यार इतना क्या क्या सोच आया था और क्या हुआ मेरे साथ। तो चलें जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अब क्या कर सकते हैं। और इसने बोला कि अभी आप अकेले हो, अगर आप अभी अपना पासपोर्ट शो कर सकते हो तो आप मुझे अपना पासपोर्ट शो कर दो, मैं आपको जाने दूंगा। तो ना ही मेरे पास पासपोर्ट था, ना ही कोई लीगल आईडी जिससे मैं उसको शो कर सकूँ कि भाई मुझे जाने दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो स्लाइडली चेंज द प्लान, कल हो सका तो कल शायद मैं आऊँ यहाँ पे, और कल मैं सारी चीज़ें अपनी लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून। तो अभी यहाँ से मैं भी दुबई मॉल जाऊँ, और दुबई मॉल पे सैम से मिल लूँगा, वो जो आप लोगों को मिला था सैम,
और क्योंकि वो भी एक दो दिन में अमेरिका जाने वाला है, तो मे बी पॉसिबल मैं उससे मिलूँ या फिर जो भी होगा मैं आपको बता दूँ। और पहले मैं पहुँचूँ ना दुबई मॉल, तो स्टे ट्यून। आई जस्ट केम टू द दुबई मॉल एंड लुक फॉर के क्या देखा मैंने। दुबई मॉल एक ऐसे में फ्लैग डे स्टार्ट हो चुका है 2 नवंबर से, आई थिंक आज से फ्लैग डे स्टार्ट हो चुका है। तो दुबई के अब हर मॉल में और हर जगह पे ये फ्लैग्स वगैरह दिखेंगे, जैसे कि फ्लैग्स वगैरह दिखेंगे। दैट्स इट, दैट्स गुड। ओह माय गॉड, दैट्स अ थीम। ये जो है वो क्रिसमस थीम है की, और पूरी दुकान बेहतरीन सजाई गई, पूरी थीम क्रिसमस पे है। दिखा देता हूँ ये जो है क्रिसमस ट्रीज वगैरह जो है, एंड देन मतलब कि पूरी दुकान ही क्रिसमस पे सजाई गई, बेहतरीन। सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन एक जो आर्ट और एक खूबसूरती से जो बनाया गया है वैसे बहुत बता रहा हूँ मैं आपको। दैट्स द थिंग, पूरी दुकान जो है वो उसी थीम पे ही, और दैट्स प्रीटी गुड। सो तो अच्छा लगा, कहाँ गए तो दे ऑल आर ब्लडी प्रोफेशनल्स यार, मतलब के बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं। ये देखें, ये देखें, फोकस नहीं करता बस, मुझे इसकी एक गलती है कि ये फोकस नहीं करता। ये देखें कितना बड़ा ट्री हैगा, और ये पूरी दुकान। सो लेट्स गुड। सो आई जस्ट केम हियर फॉर नॉर्थ केरला, और मैं जो हूँ वो ये ट्रैक ले रहा हूँ, आई थिंक 10 ग्राम्स कहेंगे, नॉट बैड। और ये जो है वो इस तरीके से बनता है, ये जो है जस्ट अभी ऑर्डर दिया है ना, थोड़ा वेट करते हैं। आई जस्ट फिनिश माई नॉर्थ केरला, और तकरीबन 12 ग्राम्स का पड़ा, और मुझे मालूम है कि मेरा व्लॉगिंग करने का द वे ऑफ व्लॉगिंग थोड़ा सही नहीं है, मैं उसको बेटर करता हूँ डे बाई डे, उसको बेटर करता हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं व्लॉगिंग करना सीखता हूँ, मैं व्लॉग्स देख के सीखता हूँ व्लॉगिंग करना, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है फोकस तो नहीं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एकदम प्रोफेशनलिस्ट भी आ जाएगा यार, बस सब्सक्राइब करते रहो, सबका सब हो जाएगा। तो अभी मैं दुबई फाउंटेन की तरफ जा रहा हूँ, और दुबई फाउंटेन का शो देख के फिर वहीं से घर जाऊँगा। तो पहले मैं आपको दुबई फाउंटेन का शो दिखा देता हूँ, तो चलते हैं दुबई फाउंटेन की तरफ। आप लोगों ने वाटर शो तो देखा होगा नीचे से, लेकिन ज़रा ये एप्पल स्टोर के ऊपर से मुलाहिज़ा फरमाएं, देख लें।